ग्रेटर नोएडा के दनकौर में खाटू श्याम का मंदिर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए 1200 गज जमीन को चिन्हित कर लिया गया है और दनकौर वासियों ने इस मंदिर को भव्य तरीके से बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मंदिर को जल्द बनवाने की मांग की गई है। इसी मंदिर में सोने चांदी और 41 किलोग्राम का पीतल का घंटा लगाया जाएगा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो जाएगा, जिसको लेकर समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा दनकौर में भी श्याम जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन उससे पहले श्री खाटू श्याम सेवा समिति रजिस्ट्रार दनकौर ने अपनी समिति के होलोग्राम का अनावरण किया। कमिटी के महासचिव भारत हिंदू ने बताया कि उनका उद्देश्य जालसाजी को रोकना है, ताकि कोई भी समिति के नाम पर धोखाधड़ी ना कर सके, इसलिए होलोग्राम का अनावरण किया गया है। दनकौर में भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ऐसे में दानदाता अपना दान देंगे और कुछ लोग ऐसे समय में जालसाजी करने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को रोकने के लिए इस होलोग्राम का अनावरण किया गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आप मंदिर के लिए जब भी दान दें तो होलोग्राम अवश्य देख लें। उन्होंने कहा कि दनकौर में भव्य खाटू श्याम मंदिर बनने जा रहा है। आज कस्बा दनकौर में श्री खाटू श्याम समिति रजिस्टर द्वारा होलोग्राम का प्रदर्शन किया गया और ये एक पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके तहत दनकौर में एक बहुत बड़े भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण होगा। श्री खाटू श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड दनकौर के होलोग्राम का अनावरण किया गया। हमारी व्यवस्था जालसाजी को रोकने को लेकर है। खाटू श्याम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। हमारी जनता से भी यही निवेदन है कि बिना होलोग्राम की कोई भी रसीद किसी भी तरीके की सहयोग राशि या दान राशि के लिए किसी से भी एक्सेप्ट ना करें।